यदि ए अनुपात बी बराबर 5:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 3:2 दिया हो, तो कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ध्यान कीजिए। देखिए इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 अनुपात दे रखे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात दिया हो, तो कैसे फाइंड करेंगे? मैं पहले ही बोला है, सबसे पहले हम लिख लेंगे ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी तो बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी। इस फॉर्म में हमें इसको लिख लेना, देखो ध्यान दीजिए आप, ए अनुपात बी, फिर बी के अनुपात बी अनुपात सी, फिर सी के अनुपात सी अनुपात डी लिख लेना। अब इसी को हमें क्या करना है, यहाँ सेम इसी तरीके से लिख लो, पहले दे रखा है हमें 5:3 दे रखा है, फिर हमें बी अनुपात सी 4:5, 4:5 दे रखा, और फिर सी अनुपात डी दे रखा 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ स्पेस खाली हो गया, देखिए यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ भी स्पेस खाली है इस नंबर के ऊपर ना, और इस नंबर पर यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, और इस नंबर के आगे ये नंबर भी खाली है, और इसके आगे ये नंबर भी खाली है। तो इनको फिल करने के लिए क्या करना होता है, जो नंबर लास्ट डिजिट 3 है ना, जैसे 3 लिखा है तो यहाँ भी 3 फिल कर दीजिए आप, यहाँ भी 3 फिल कर लो, यहाँ भी 3, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 आ जाएगा, देखिए यहाँ 3 है यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब सभी नंबर को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 5 को 20 3 60 हो जाएगा, ये हो गया 60, फिर अब अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे हम, 4 3 12 3 36 हो जाएगा, फिर 5 3 25 45 हो जाएगा, ये फिर 5 3 15 2 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात हमें फाइंड करना, छोटा करने के लिए हम इसको 3 से भाग भी कर सकते हैं, तो 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 3 एकम 3 3 2 6, फिर 15, और ये आ जाएगा 10। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हमारे पास कितना आया, 20:12:15:10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने सारा अनुपात निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आपको आया होगा। ठीक है, यदि कोई क्वेरीज रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको दोबारा बताऊँगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का निकालना है, और नेक्स्ट है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में कैसे हम रेशियो निकालेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। तो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।